हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो से हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिकल मशीन ड्राइव एंड ट्रांसफार्मर। सो इसमें सब कुछ हमें पढ़ना है। तो हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिकल जो मशीन जो है उसके अंदर ये डीसी जनरेटर। सो डीसी जनरेटर के बारे में हमने पहले देखा था कि उसका मेन काम क्या है। तो बाय मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है। बाद में हमने देखा था उसका ये प्रिंसिपल देखा था, लेकिन मैंने आपको बताया था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जो बताया था वो इम्पोर्टेंट है, और ये कम्यूटेटर का काम क्या है। तो जो भी यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा, अल्टरनेटिंग इन नेचर होगा, एसी। तो डीसी जनरेटर है तो हमें डीसी चाहिए, ये एसी नहीं चाहिए। तो डीसी में कौन कन्वर्ट करता है, ये हमारा कम्यूटेटर, ये इम्पोर्टेंट है, राइट। सो बाद में हमने देखा था ई कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में दो सिस्टम, फील्ड सिस्टम एंड आर्मेचर। तो फील्ड सिस्टम के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही देखे थे, योक का काम क्या है, पोल एंड फील्ड वाइंडिंग। एंड नेक्स्ट क्या देखा था, आर्मेचर के अंदर आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, देन कम्यूटेटर एंड ब्रश, एंड उसका बेसिक वर्किंग देखा था। तो इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, ये कंस्ट्रक्शन में ये जो दो सिस्टम है ना उसके जो पार्ट्स लिखे हैं ना, तो वो इम्पोर्टेंट है, किसी दो तीन का आपका आ सकता है, राइट। एग्जाम में एमसीक्यू में, सॉरी, शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का, उसमें भी आ सकता है या 3-4 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन। सो इम्पोर्टेंट हमने देखा था। एक दूसरा इम्पोर्टेंट जो है 2 मार्क्स के लिए वो है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, यहाँ पे है देखो, ओके, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर जो है वो कौन कौन से टाइप के आते हैं, तो वो है ना ज़्यादातर 3-4 मार्क में ये जो थियोरी दी है ना पूरी वो नहीं आती है ज़्यादातर, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। मेन तो है ना आपको ये याद रखना है, ये 2 मार्क्स में आ जाता है कई बार। और एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर वो हम एंड में देखेंगे। ये 2 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के लिए आईएमबी है, राइट। सो टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर कौन कौन से टाइप के होते हैं, तो डीसी जनरेटर 2 टाइप के होते हैं मेनली। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड, दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड, राइट। सेल्फ एक्साइटेड 3 टाइप्स के आते हैं, संट मतलब पैरेलल है ना, संट मीन्स समांतर, सीरीज श्रेणी मतलब, ये कंपाउंड, कंपाउंड मतलब ये दोनों का मिक्स आएगा, सीरीज एंड संट का। अब कंपाउंड के अंदर भी 2 टाइप है, क्या है, ये कम्युलेटिव कंपाउंड और दूसरा जो है वो डिफरेंशियल कंपाउंड। सो हम 1 बाय 1 सभी देखेंगे, लेकिन 2 मार्क्स में आए टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, तो आपको ये चार्ट है ना वो बता देना है कि ये कौन कौन से टाइप के आते हैं वो। अब हम पहले देखते हैं सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के बारे में। तो यहाँ पे है ना ये थियरी इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं है, ये मैंने बताया ये आईएमपी है टाइप्स, और एंड में हम देखेंगे एप्लीकेशन मतलब डीसी जनरेटर की उपयोगिता, ये पण आईएमपी है 2 मार्क्स में खूब ज पर पूछायो है बराबर ने, घनी वार पूछायो है, खूब ज आईएमपी है। चलो तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर की ये फिगर दी है हमने जो देखा, ये उसको सिंपल तरीके से बताया है जनरेटर को, राइट। ये क्या होता है, ये आर्मेचर है हमारा, जो रोटेट होता है ना वो पार्ट है आर्मेचर। आर्मेचर के साथ क्या कनेक्ट हुआ है, ये लोड जिसको देना है ना वो, और ये क्या है हमारा फील्ड वाइंडिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर इज डेट इन विच द फील्ड वाइंडिंग मतलब ये इज कनेक्टेड टू द सेपरेट सोर्स ऑफ डीसी, मतलब ये जो है ना ये डीसी सोर्स है उसको उसके साथ अलग से जुड़ी रहती है, उसके अलग से उसके साथ कनेक्शन होता है, राइट। ये तो अलग ही रहेगा, हमारा आर्मेचर वाइंडिंग है वो, तो मतलब ये फील्ड वाइंडिंग जो है उसको हम अलग से ये सप्लाई दे, डीसी सप्लाई, ओके। तो उसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड, मतलब उसको एक्साइट करने के लिए हम अलग से सप्लाई देते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। अब सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है, अंदर उसको अलग से देने की ज़रूरत नहीं रहती है, राइट। तो वो भी 2 टाइप के हो, 3 टाइप के हैं, संट सीरीज एंड कंपाउंड, वो हम 1 बाय 1 देखते हैं। ये जो है वो एक्चुअली आर्मेचर वाइंडिंग का सिंबल है और ये है फील्ड वाइंडिंग, राइट, ये याद रखना। चलो सेल्फ एक्साइटेड में क्या है, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर इज डैट जनरेटर इन विच द फील्ड वाइंडिंग इज एक्साइटेड। ये फील्ड वाइंडिंग को हमें एक्साइट करने हैं तो कैसे होता है,
फ्रॉम द आर्मेचर, ये आर्मेचर जो होता है ना वहाँ से वो एक्साइट होती है, ये सेपरेटली एक्साइटेड में क्या हुआ, ये जो है ना एक्साइट होती है वो अलग सप्लाई देते हैं, लेकिन सेल्फ एक्साइटेड में खुद हो जाती है अंदर से ही, हमें एक्सटर्नल डीसी सप्लाई देने की ज़रूरत है नहीं, वो आर्मेचर से एक्साइट होती है। तो ईएमएफ इस जनरेटेड इन द आर्मेचर, ये आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या होता है, ईएमएफ जनरेट होता है। सो दिस इज़ यूज टू एक्साइट द फील्ड ऑल्सो, और वही जो ईएमएफ है वो ये फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने के लिए यूज़ होता है, राइट। सो ये कैसे पॉसिबल है, तो हमने जब कंस्ट्रक्शन पढ़ा था तब भी वहाँ पे लिखा था कि जो ये फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल या सीरीज़ में, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ना वो पैरेलल या सीरीज़ में ये आर्मेचर वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होती है, गेटिंग ओके। सो उसमें भी बेसिकली दो टाइप है, शंट एंड सीरीज, गेटिंग, और ये दोनों का हम कंबाइन करें तो क्या बन जाता है, कंपाउंड। तो यहाँ पे लिखा भी है, देखो, पार्ट ऑफ द फील्ड वाइंडिंग इज शंट वाउंड एंड पार्ट इज सीरीज वाउंड। जो फील्ड वाइंडिंग है ना उसको दो पार्ट में है, थोड़ा पार्ट शंट वाउंड होता है, दूसरा जो थोड़ा पार्ट है वो सीरीज में होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड जनरेटर। सो यहाँ पे फिगर भी है, देखो ये वाले नीचे वाली, तो पहले क्या लिखा हुआ है, शंट वाउंड जनरेटर, तो उसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ जनरेटर द फील्ड वाइंडिंग, मतलब ये इज कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर, मतलब आ जे आर्मेचर है एना समांतर एने जोड़वामां आवे छे, बराबर। आपणे जोयुं के आर्मेचर वाइंडिंग अने जे आपणुं फील्ड वाइंडिंग छे ए बेनुं सीरीज अथवा तो पेरेलल शंट कनेक्शन होय शके, बराबर, ए रीते जोड़ायेला होय छे। तो शंट पथी याद रखवानुं, शंट मीन्स पेरेलल समांतर। सो ये आर्मेचर है उसके शंट में ये फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट होती है और ये लोड तो होता ही है, ओके। सो ये हो गई शंट जनरेटर, और उस यहाँ पे जो बताया है शंट जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कैसी होती है, तो वो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए, ओके। सो दस फुल आर्मेचर वोल्टेज इज अप्लाई टू द फील्ड वाइंडिंग, सो ये समांतर होता है ना, तो यहाँ पे जो आर्मेचर वोल्टेज जो भी होगा वो पूरा का पूरा ये फील्ड वाइंडिंग को मिलेगा, सीरीज में होता है तो वो डिवाइड हो जाता है, लेकिन पैरेलल में पूरा के पूरा मिलता है, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ द फील्ड वाइंडिंग शुड बी हाई, ये जो फील्ड वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, वोल्टेज उसके अक्रॉस में क्या है, ज़्यादा है, इसीलिए ओके। वी इक्वल टू नॉर्मली हम ओम्स लॉ में पढ़ते हैं आई आर, ओके। सो वी बाय आई इक्वल टू हम आर करते हैं, अब ये वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो ये रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा, पता चल रहा है। सो रेजिस्टेंस जो है वो ये फील्ड वाइंडिंग में वो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये रिलेशन है, सिंपली रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखते हैं, रो इंटू एल बाई ए, ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी कंडक्टर होता है ना उसका, एल क्या है उसकी लेंथ, और ये रेजिस्टिविटी बता दी, राइट। सो एक्चुअली हम यहाँ पे दो यूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझने के लिए। सो द रेजिस्टेंस जो है ये जो है वो हाई हो जाता है ना, सो हाई रेजिस्टेंस इज ऑप्टेन, कैसे ऑप्टेन कर सकते हैं रेजिस्टेंस ज़्यादा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स टू इंक्रीज एंड यूजिंग थिन वायर टू डिक्रीज ए। तो कैसे कर सकते हैं, सिंपली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे तो वो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ओके। और इंक्रीज करने के लिए क्या बढ़ाएंगे, लेंथ इनको, और डिक्रीज करना है तो क्या बढ़ाएंगे, ये डिनोमीटर में है ए उसको, तो इसी हिसाब से हो जाएगा, गेटिंग। तो यहाँ पे क्या होगा कि इंक्रीज होता है तो ये लेंथ ज़्यादा हो जाएगी ना कंडक्टर की, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। लेकिन वो जो वायर यूज़ करेंगे कंडक्टर वो कैसे करेंगे, पतले करेंगे, राइट, पता चला। इसको कम करना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कंडक्टर हमारा पतला हो जाएगा, ये लेंथ को ज़्यादा करेंगे तो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा ना, तो लेंथ कंडक्टर की ज़्यादा होगी, ओके, और उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब कम होगा, मतलब वो पतला होगा, ओके। सो कितनी बार आपने विटाड़िए ना, घनी बार आपने वाउन बनावा नहीं तो तार ने घनी बार विटाड़वामां आवशे आमां, बराबर, नंबर ऑफ टर्न्स वधी जशे। चलो तो अब हम नेक्स्ट मूव होते हैं, देखो कहाँ पे, यहाँ पे देख लेते हैं।
सीरीज वाउंड जनरेटर। तो सीरीज़ में क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग है ये, वो ये जो आर्मेचर है उसके साथ कैसे है, सीरीज़ में कनेक्ट हुआ है, मतलब श्रेणीमय है। ओके, तो बस वही है मेन। और इम्पोर्टेंट ये है कि उसके अंदर कंडक्टर जो है, वो जो कॉइल है वो कैसे यूज़ होती है फील्ड वाइंडिंग। वाइंडिंग मतलब कॉइल, ये फील्ड वाइंडिंग जो है सीरीज़ में अंदर, तेमा वायर क्या यूज़ था है कंडक्टर कई टाइप ना ते। सो सीरीज़ में कनेक्ट हुआ है ना, तो क्या होता है करंट सेम पास होगा। करंट पासिंग थ्रू द फील्ड वाइंडिंग इज सेम एज द लोड करंट, मतलब ये इसमें से जो भी करंट पास होगा वही लोड में से पास होने वाला है, हमारा सीरीज है तो करंट तो कैसा रहेगा सेम ही पूरी सर्किट में, राइट। दस द कंडक्टर ऑफ द फील्ड वाइंडिंग शुड हैव इनफ क्रॉस सेक्शनल एरिया टू कैरी दैट करंट, मतलब आप लोग जो फील्ड वाइंडिंग है एनी अंदर जो आप कंडक्टर यूज करिए छे वायर, ये केवो हो जुए एवो हो जोइए कि करंट वधारे कैरी कर सके लई जाइ सके, बराबर, एट्लो कैपेबल होवो जोइए। तो तेना माटे ए आपड़ा वायर केवो यूज करवामां आवे छे, थोड़ो जाड़ो अने नंबर ऑफ टर्न्स केवा थई जशे तो ओछा, बराबर, कारण के आपड़े आर लखीए छे रो इंटू एल बाय ए, तो आ वधारीशुं आपणे अने आ घटाड़ीशुं, समझ पड़ी। तो आ तमारो शुं थई ओछो थई जशे, रेजिस्टन्स सीरीजमां छे એટલે આપણે રેઝિસ્ટન્સ કેવો કરવો પડશે ઓછો, નહીં તો ડ્રોપ વધી જશે, બરાબર છે। સો બસ યહાં પે યહી હૈ કે કૈસા વાયર યુઝ હોતા હૈ, તો યહાં પે લિખા ભી હૈ દેખો, દેર શુડ બી લેસ નંબર ઓફ ટર્ન્સ, મતલબ ઓછા, બહુ ઘણી વાર વીટાડવાનો નહીં, જે રીતે આપણે શન્ટમાં વીટાડતા ને વધારે તેમનેમાં પાતળો વાયર યુઝ કરતા, જ્યારે સિરીઝમાં શું જાડો યુઝ કરવાનો અને ઓછો વીટાડવાનો, બરાબર। સો લેસ નંબર ઓફ ટર્ન્સ મતલબ લેન્થ કમ હો જાયગી એન્ડ ક્રોસ સેક્શન ऑफ द कंडक्टर शुड बी मोर, मतलब एरिया बड़ा हो जाएगा तो वो थोड़ा चढ़ा हो जाएगा, ठीक। सो बेसिक डिफरेंस याद रखो, ये फिगर पे से ये आप नहीं ड्रॉ करेगा तो चलेगा, कुछ है नहीं। हाँ, सेपरेट आता है तो हमें ड्रॉ करना रहता है, लेकिन सेपरेट थियोरी ज़्यादातर आती नहीं है। ओके, सो हम नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड वाउंड जनरेटर, तो उसमें क्या होगा दोनों का कॉम्बिनेशन। सो इन दिस टाइप ऑफ जनरेटर देर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड वाइंडिंग, दो टाइप की फील्ड वाइंडिंग रहती है प्लेस on the field poles, one is shunt type and the other is series type, right। So उसमें भी दो type होता है, cumulative compound and differential compound, किसके अंदर compound के अंदर, तो हम one by one देखेंगे। okay, ये क्या है, पहले cumulative compound है, तो cumulative compound में क्या रहता है, ये armature है हमारा, उसमें जो field winding दो part में divide कर दे, देखो यहाँ पे एक फील्ड वाइंडिंग है वो ये आर्मेचर के संट में है, मतलब समांतर पैरेलल, और ये जो है वो आर्मेचर के साथ क्या है सीरीज़ में है, श्रेणी में। ओके, तो बस वही है। इन कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ सीरीज फील्ड करंट एंड द संट फील्ड करंट आर सच डेट बोथ प्रोड्यूस द फ्लक्स इन द सेम डायरेक्शन। सो डायरेक्शन जो है दोनों में सीरीज एंड पैरेलल में करंट की वो कैसी रहती है कि फ्लक्स जो उसके अंदर प्रोड्यूस होता है वाइंडिंग के अंदर वो एक ही डायरेक्शन में हो। ओके, तो यहाँ पे ये बताया हुआ है, ये करंट जो संट है ये वाइंडिंग मतलब पैरेलल वाली है और ये सीरीज वाली है, तो उसमें जो ये फ्लक्स प्रोड्यूस होता है यहाँ पे दिखाया गया, देखो मैं जूम करके बताता हूँ, ये दोनों जो है वो कौन सी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, राइट। अब देखो नेक्स्ट, तो टोटल फ्लक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ये दोनों का एडिशन। ओके, सो एफ एस सी लिखा मतलब सीरीज फ्लक्स, सीरीज फील्ड फ्लक्स, एंड एफ एस एच मतलब संट। सो नेट फ्लक्स मतलब हम टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा। सो उसका उल्टा डिफरेंशियल में होगा। सो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, देखो अ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड सच डेट द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय इट अपोज द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय संट फील्ड वाइंडिंग, मतलब ये आर्मेचर है उसके साथ ये फील्ड वाइंडिंग एक जो है एक पार्ट वो पैरेलल है संट में है, दूसरा पार्ट है सीरीज में, देखो लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, देखो ये कनेक्शन डायरेक्ट कर दिया है लेकिन यहाँ पे है ना पोलारिटी चेंज कर दिया, देखो उसको उल्टा कर दिया, तो इस तरह से किया है कि दोनों के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है यहाँ पे और यहाँ पे
दोनों की डायरेक्शन कैसी रहती है? ऑपोजिट। देखो यहाँ पे बताया गया है, शंट वाली ये डायरेक्शन में फ्लक्स और सीरीज़ वाला ये डायरेक्शन में, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, पता चला है? सो यहाँ पे क्या होता है, लोड इंक्रीज़ होता है, एज द लोड इंक्रीज़, जब लोड इंक्रीज़ करते हैं द सीरीज़ फ्लक्स फाइ एस सी इंक्रीज, ओके, सो द नेट फ्लक्स डिक्रीज। सो यहाँ पे ये इंक्रीज़ होगा तो ये नेट फ्लक्स जो है वो डिक्रीज़ होगा, कब? जब जो लोड है ना उसको इंक्रीज़ करेंगे तब। तो ये इम्पोर्टेंट है किसके लिए, वो मैं आपको बताता हूँ, एप्लीकेशन के लिए, राइट? और ये जो कंपाउंड है उसमें क्या होता है, जो शंट वाइंडिंग में जो प्रोड्यूस होता है फ्लक्स वो ऑलमोस्ट कैसा रहता है, कांस्टेंट, ओके। सो सीरीज फ्लक्स जो है ना वो इंक्रीज होता है ये, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है हमारे एप्लीकेशन के लिए, राइट? सो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है, देखो यहाँ पे ये है एंड में एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर, तो ये इम्पोर्टेंट है 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, ये क्या है, आईएमपी है। जैसे मैंने पहले बताया टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर वो इम्पोर्टेंट है, बस वैसे ही ये इम्पोर्टेंट है, राइट? सो सभी में फिगर हमने ड्रॉ की ना ये जनरेटर की, तो उसके बाजू में जो ये है ना वो वाइंडिंग बताई है, सीरीज पैरेलल जो शंट वाइंडिंग है, फील वाइंडिंग आर्मेचर, और ये जो फील वाइंडिंग है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो ये फील वाइंडिंग कैसी होती है, कैसे उसका कनेक्शन किया जाता है, करंट सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है, तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो कौन से डायरेक्शन में होता है, बस यहाँ से ये बताया है। सो सेपरेटली आपको पूछा जाए कि भाई शंट जनरेटर एंड सीरीज जनरेटर आप समझाओ, तो आपको दोनों फिगर ड्रॉ करके आपको समझाना है। समझाना कुछ इजी ही है कि क्या किसके साथ कनेक्ट होता है और क्या होता है वही बोलना है, लेकिन ये फिगर इम्पोर्टेंट है। ये आप परफेक्ट से ड्रॉ करते हो तो आगे कोई पड़ेगा नहीं, लेकिन ये जो थियरी है टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर वन बाय वन जो हमने डिटेल में देखा इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हाँ, टाइप्स ऑफ जनरेटर जो चार्ट देखा वो 2 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सिमिलरली ये जो एप्लीकेशन है डीसी जनरेटर की, मतलब डीसी जनरेटर की उपयोगिता, ये पण आईएमपी है। तो उपयोगिता में शूँ लखीशूँ आपणे, पहले तो ये सन जनरेटर कहाँ पर यूज़ होता है वो आप अलग से नहीं बताओगे, आप डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिखोगे तब भी चलेगा, ऐसे ये आप टाइटल नहीं रखोगे तो चलेगा। तो सन जनरेटर है वो कहाँ पर यूज़ होता है, सो वो कहाँ पर यूज़ होता है, यूज़ फॉर दी लाइटिंग एंड पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई मेन देना है उसके लिए और जो लाइटिंग करनी है उसके लिए यूज़ होता है ये, क्योंकि सन में वोल्टेज क्या रहता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, इसीलिए। इट इज़ ऑल्सो यूज़ फॉर बैटरी चार्जिंग एज इस टर्मिनल वोल्टेज कैन बी केप्ट कॉन्स्टेंट, मैं बोला वही कि उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है सन जनरेटर में, दो टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज आता है वो एक्चुअली टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं उसको, आउटपुट में जो आता है वो कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। सो बैटरी को चार्ज करना है तो कैसा, कौन सा वोल्टेज चाहिए हमें, डीसी चाहिए, पता चला? सो बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कॉन्स्टेंट मीन्स डीसी वोल्टेज चाहिए, तो वो यहाँ पे आसानी से मिलेगा कहाँ पे, सन जनरेटर में। तो सन जनरेटर कहाँ पे यूज़ होता है, एक तो बैटरी को चार्ज करने के लिए एंड पावर सप्लाई एंड लाइटिंग के लिए, को शॉर्ट में याद रखना है और बाद में एक सेंटेंस बना के लिख देना है, समझ पड़ी? एकदम टूक में याद रखवानू अने एना पछी आखू वाक्य बनाईने आपणे लखी देवानू रे। सेम सीरीज जनरेटर है वो कहाँ पे यूज़ होता है, इट कैन नॉट बी यूज फॉर लाइटिंग एज इज टर्मिनल वोल्टेज चेंज विथ लोड, कि ये जो सीरीज जनरेटर है वो लाइटिंग के लिए यूज़ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो लोड के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कहाँ पे, ये सीरीज में लोड चेंज होता है तो हमारा जो ये है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज वो भी चेंज होता है, लेकिन शंट में क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, फिक्स, इसलिए लाइटिंग में यूज़ होता है। तो ये इसमें तो यूज़ नहीं होता है, तो किस में यूज़ होता है, इट इज़ यूज एज अ वोल्टेज बूस्टर इन रेलवे सप्लाई। सो ये आपको याद रखना है मेन, ये आप क्यों नहीं यूज़ होता है वो आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, लाइटिंग के लिए क्यों नहीं यूज़ होता, क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज चेंज होता है लोड के साथ। सो कहाँ पे यूज़ होता है, कि रेलवे सप्लाई में एज अ वोल्टेज बूस्टर, वोल्टेज बूस्टर मतलब एना बूस्ट करवानो, बूस्टर मतलब एना वधारवानो, सो एना वधारवा माटे ये यूज़ थाय छे सीरीज, बराबर छे,
वोल्टेज एज अ वोल्टेज बूस्टर इन रेलवे सप्लाई के अंदर ये यूज़ होता है। अब जो नेक्स्ट है कि ये कंपाउंड जनरेटर कहाँ पर यूज़ होता है, तो कंपाउंड में हमने दो पढ़ा, कम्युलेटिव एंड डिफरेंशियल। सो जो कम्युलेटिव है वो कहाँ पर यूज़ होता है, यूज़ फॉर इलेक्ट्रिक सप्लाई एज इट्स टर्मिनल वोल्टेज कैन बी मेड कॉन्स्टेंट इन द केस ऑफ लेवल कंपाउंड जनरेटर, राइट। सो वोल्टेज कांस्टेंट मिलता है टर्मिनल वोल्टेज, तो उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई में यूज़ करते हैं किसको, कम्युलेटिव को। लेकिन डिफरेंशियल क्या होता है, वो कहाँ पे यूज़ होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, उसका जो टर्मिनल वोल्टेज रहता है ना वो कम होता जाता है जैसे हम लोड इंक्रीज करते हैं, समझ में आ रहा है। सो ये डिफरेंशियल जो है ना, ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, उसमें क्या होता है, ये लोड हम बढ़ाते जाएंगे, राइट, मैं एल लिखता हूँ, तो क्या होता जाएगा, ये जो सीरीज़ है ना फ्लक्स वो कम होता जाएगा, तो नेट फ्लक्स कम हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या है, ये जो नेट वोल्टेज है ना, यहाँ पे वोल्टेज जो आएगा नेट वोल्टेज, वो जो है टर्मिनल वोल्टेज, ये प्लस और माइनस दो टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा जैसे हम लोड इंक्रीज करेंगे ना उस हिसाब से। तो ये जो प्रॉपर्टी वो कहाँ पर यूज़ होती है, इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक जो है वो वेल्डिंग में यूज़ होती है, जब वेल्डिंग होता है ना वहाँ पे यूज़ होता है, राइट। सो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यूज़ एज अ वेल्डिंग जनरेटर, सिंपल। सो सन जनरेटर कहाँ पे यूज़ होता है, कांस्टेंट टर्मिनल वोल्टेज मिलता है तो पावर सप्लाई, लाइटिंग के लिए और बैटरी चार्ज करने के लिए। सीरीज़ जो है वो रेलवे के अंदर, रेलवे सप्लाई में एज अ वोल्टेज बूस्टर। कंपाउंड में जो कम्युलेटिव है वो सप्लाई के लिए, क्यों, क्योंकि उसके अंदर टर्मिनल वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। और डिफरेंशियल के अंदर क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज कम होता जाता है लोड के साथ। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कहाँ पे मैच होती है, वेल्डिंग में। सो वो वहाँ पे यूज़ होता है, बस आपको शॉर्ट में याद रखना है और लिखना है। सो वंस अगेन, ये जो एप्लीकेशन ऑफ डीसी जनरेटर है वो दो मार्क्स के लिए आईएमपी है, और दूसरा याद रखना है मेन, तो ये आपको ये टाइप ऑफ डीसी जनरेटर, राइट। सो ये डीसी जनरेटर का पोर्शन ख़त्म, हमें उसका एक तो प्रिंसिपल पढ़ना है, उसका कंस्ट्रक्शन और उसका जो है वो एप्लीकेशन, वो हमने सब कुछ देख लिया। तो ये डीसी जनरेटर का जो पोर्शन है ये वीडियो में कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम उसका नेक्स्ट जो आगे का जो टॉपिक है वो देखेंगे।